क्या आप अपनी बाइक पे लॉन्ग ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आप अपनी बाइक के इंजन से परेशान हैं कि मेरी बाइक का ये इंजन लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो आपकी ये परेशानी भी इसी वीडियो में दूर हो जाएगी। अगर आपकी बाइक 150 cc है, आप अपनी बाइक का इंजन तब्दील किए बगैर अपनी बाइक को 200 या 200 से 250 पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ एक किट तब्दील करने से आपकी बाइक का जेन्युइन इंजन 150 से 200, 200 से 250 पे कन्वर्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान की मशहूर टूरिस्ट बाइक सुजुकी GS 150 है, जब वो बाबूसर टॉप तक जाती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, और जब डबल सवारी हो, आपके साथ कोई पार्टनर बैठा हो उस बाइक पे पीछे, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती है, इवन के इंजन जवाब दे जाते हैं। तो आज हमने उस प्रॉब्लम का भी सलूशन निकाल लिया है, ढूंढ निकाला है आपके लिए कुछ ऐसे इंजन जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। इनकी क्या प्राइस है, इनकी क्या खासियत है, कितने सीसी इंजन है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। जैसे कि अभी आप ये इंजन देख रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन है, और सबसे अच्छी बात इस इंजन की ये है कि इसके इंजन पर कोई नंबर भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। क्योंकि जब आप काबली इंजन लेते हैं, पुराना इंजन लेते हैं अपनी बाइक के इंजन को अप करने के लिए, उसके सीसी इंक्रीज करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है नंबर की आती है। क्योंकि आपकी बाइक के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो और होता है, जब आप इंजन रिप्लेस करते हैं तो उसके ऊपर जो नंबर लगा होता है वो और होता है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन इस इंजन की सबसे ख़ास बात यह है कि इसका नंबर वही लगेगा जो आपकी बाइक के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगा होता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस इंजन के रिलेटेड, ये कौन सी बाइक में बोल्ट टू बोल्ट फिट होगा वो भी आपको बताएंगे, इस इंजन की प्राइस कितनी है वो भी आपको बताएंगे, उसके बाद ये किट आप देख सकते हैं, ये किट कौन सी बाइक की है, कितने सीसी की है वो भी आपको बताएंगे। देख सकते हैं सेल्फ स्टार्ट इंजन है, इस इंजन के साथ हमें बहुत सारा सामान भी मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी आपको बताएंगे। ये किट सिलेंडर किट कौन सी बाइक के लिए है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, इसकी प्राइस कितनी है वो भी आपको डिटेल मिल जाएगी। अभी ये इंजन आप देख सकते हैं बॉक्स पैक है, वो पहले वाले इंजन जो मैंने आपको दिखाए थे वो भी बॉक्स पैक होते हैं। इंजन के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कितने वाल्व होते हैं और कौन कौन सा सामान मिलता है, कौन सी बाइक के लिए ये इंजन सूटेबल है। उसके बाद एक इंजन आप ये देख सकते हैं, स्लीपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, और इसके बारे में हो सकता है आपने पहले भी वीडियोस देखी हो। इस इंजन की भी डिटेल बताएंगे कि ये कौन सी बाइक के लिए इंजन है, कौन सी बाइक में ये बोल्ट टू बोल्ट फिट आएगा, इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और इसकी प्राइस कितनी है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अच्छा सर जी, आप इस इंजन के बारे में बताएं, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी प्राइस कितनी है और कौन सी बाइक में ये इंजन बोल्ट टू बोल्ट फिट आएगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने विज़िट किया, मैं बहुत मशहूर हूँ आप लोगों का। ये इंजन बेसिकली 250 सीसी कैटेगरी का इंजन है, 232 सीसी का बोर है इसका ओवरऑल, और 5 गियर ट्रांसमिशन है, और सेल्फ स्टार्ट है, काउंटर बैलेंस्ड है, वाइब्रेशन फ्री है, इसमें किसी किस्म की वाइब्रेशन नहीं है, और ये ओरिजिनल जोंगशन की अपनी क्वालिटी है। स्लीपर्स के ट्रेडमार्क के ऊपर हम इसको इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के लिए। इसको इंपोर्ट करने का मेन मकसद उन लोकल बाइक्स को टारगेट करना है जो वाकई ही आपने शुरू में जैसे कि बताया कि स्ट्रगल करती हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, CBF के ऊपर, GS 150 के ऊपर, रावी प्यागो, डीलक्स और ऐसी बाइक्स के ऊपर सफ़र किया जाता है, और ये तकरीबन सारी बाइकें लो ऑक्सीजन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, और अगर डबल सवारी हो तो फिर तो इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं। तो उस मकसद को टारगेट करते हुए ये इंजन मंगवाया गया। इट्स एन ओल्ड स्कूल इंजन, ठीक है, ये CG का डिज़ाइन है, इट्स लाइक एन ओवरबोर्ड CG, मगर टोटली वाइब्रेशन फ्री 100%। बहुत सारे टूरिस्ट हज़रात इस वक्त करंटली इसको यूज़ कर रहे हैं, और इसकी जो वारंटी है वो इस वक्त जो हम दे रहे हैं वो 6 माह की वारंटी है और 10,000 किलोमीटर की वारंटी है। उसके अंदर अंदर कुछ भी इसको हो तो उसको हम मुकम्मल बैकअप देते हैं। असल तो बात यह है कि 2014 से अभी तक एक भी ऐसा बंदा नहीं आया जिसने स्पेसिफ़िकली इस इंजन के बारे में शिकवा किया हो। तो सबसे ज़्यादा कामयाब इंजन जो है ये यही है। सवाल आपका कि किन बाइक्स के लिए है, तो सबसे बेहतरीन जो इसकी टारगेट बाइक है वो GS 150 ही है, उसके बाद होंडा डीलक्स है, CG 125 में नहीं ये लग सकता क्योंकि CG 125 का फ्रेम थोड़ा छोटा होता है, ना ही ये YBR में लग सकता है। काफ़ी दोस्त YBR के लिए इंजन ढूंढ रहे होते हैं तो उसके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद ये जिस किट को इस वक्त फोकस कर रहे हैं ये बिग बोर किट है,
ये बेसिकली 217 सीसी का कर देती है आपकी GS150 को, ठीक है। और इस किट का फ़ायदा ये है कि ये आप CG स्टाइल इंजन में भी फिट कर सकते हैं, और इसके साथ अगर इसको थोड़ा सा टूल लगा दिया जाए, चेन ड्रिवन कर दिया जाए, तो GS150 के अंदर भी ये किट फिट करके कामयाब हुई है। इसके साथ, इस इंजन के साथ, इस किट के साथ बेसिकली पिस्टन, इसकी गैस्केट मुकम्मल, इसकी सील किट, क्योंकि हाई प्रेशर सील किट रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है इस सिलेंडर का, तो इसका पूरी पिस्टन किट और सिलेंडर सारा साथ होता है, आपको कुछ भी बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। और ये जो इंजन के बारे में सर आपने बताया कि इंजन के साथ कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं जो कि बोर्ड टू बोर्ड इंस्टॉल हो जाएंगी, कोई भी जो इंजन इसको परचेज करना चाह रहा है, कोई भी कस्टमर, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसके बारे में आप बताएं कि इसके साथ आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। इंजन के साथ इसकी मुकम्मल सबसे पहले तो वायरिंग आती है, जिसके अंदर इसका इग्निटर, इसका चार्जिंग सिस्टम, फ्लैशर, इग्निशन कॉइल, स्टार्टिंग रिले, CDI, प्लग अडाप्टर, मुकम्मल किट इसकी इसके साथ होती है। फिर इसका चेन कवर इसके साथ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुर्जा है, क्योंकि ये इंजन थोड़ा चौड़ा और बड़ा है, तो इसका गियर शिफ्टर काफ़ी बड़ा होता है, नॉर्मल गियर शिफ्टर फिर काम नहीं करता। इसकी किक भी बड़ी होती है, क्योंकि इसकी अपनी किक ही इसको किक मार सकती है। इंजन क्योंकि मिड लेवल का इंजन है, ये टॉप ऑफ द शेल्फ इंजन नहीं है, तो इसके साथ PZ30 का कार्बोरेटर आता है, 30 मिलीमीटर का कार्बोरेटर आता है। अराउंड, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग पूछते हैं, माइलेज क्या देगा? 35 से 38 की माइलेज आती है अगर आप हाईवे क्रूज़ करते हो। जो लोग ज़रा तमीज़ से चलाते हैं, लाइक 80-90 पे रहते हैं, उनको ये 40 से 45 की एवरेज भी दे जाता है, लेकिन जो लोग रेसिंग में लेके जाएंगे वो ये फिर 28 पे आ जाएगा। सही, ठीक हो गया। स्पेयर पार्ट का बैकअप, कि देखें एक बंदे ने टूरिंग के लिए कर लिया है, इस इंजन की कैपेसिटी इतनी है कि आप इधर से कराची चले जाएं, कराची से वापस आ जाएं, बंदा थक जाएगा, इंजन नहीं थकेगा, ये गारंटी है, ना ये ओवरहीट होता है, ना ही ये थकता है, ठीक है। इस वक्त काफ़ी सारी इसकी यूज़र्स हैं जो चला रहे हैं। अब आता है स्पेयर पार्ट, इसका मुकम्मल बैकअप हम खुद भी प्रोवाइड करते हैं, और हम मार्केट में भी ऐसी शॉप्स हैं जो कि हम पॉइंट आउट कर देते हैं कस्टमर्स को कि उधर से आप ये स्पेयर पार्ट ले सकते हैं। और ये इंजन एयर कूल्ड है? ये प्योरली एयर कूल्ड इंजन है, और ये ठंडा इंजन है। देर आर टाइप्स ऑफ इंजन, ठंडे से मुराद ये है कि ये लो कंप्रेशन इंजन है। आपने लिटरली अगर किसी ऐसी जगह पर चले गए कि सिर्फ मिट्टी का तेल मिल रहा है, आप डालने चलेगा, ठीक है। उसकी रीज़न यह है कि इसकी कंप्रेशन बहुत लो है। इसके साथ ही ये एक CBR 125 का इंजन पड़ा हुआ है, ये CBR का रेसिंग इंजन है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ शौकिया लेके रखा हुआ है, बेचने के लिए नहीं रखा हुआ। ये इंजन जो है ये हाई ऑक्टेन के बगैर बात ही नहीं करता। तो ये इस तरह की वो CRF 250 का पड़ा हुआ है, वो भी इसी तरह का इंजन है कि वो हाई ऑक्टेन को पसंद करता है, मगर ये इंजन दिस इज मेंट फॉर टूरिंग, ठीक है। कि ये इंजन चलेगा, गंदा पेट्रोल मिल रहा है, मिट्टी का तेल मिक्स हुआ हुआ मिल रहा है, इट विल वर्क। ऑफ कोर्स आके आपको वापस से ट्यूनिंग करानी पड़ जाए, लेकिन इट विल टेक यू बैक होम, ये आपको घर वापस लेके आएगा। तो इसकी हॉर्स पावर कितनी है? ये 20.4 हॉर्स पावर है मैक्स के ऊपर, रेटेड के ऊपर ये अराउंड 18.6 बनाता है। मैक्स होता है जब हाई RPM पे निकल गए हो आप, रेटेड होती है कि आप क्रूज करना चाह रहे हो, ठीक है, जिसके ऊपर इंजन रेड लाइन के अंदर अंदर रहता है। अच्छा, तो इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये कितने में मिल जाएगा? ये जब मंगवाने शुरू किए थे हमने, तब ये 68,000 का था, आज से 6-7 साल पहले। फिलहाल ये साल पहले तक भी 1,00,000 रुपए का था, अभी ये 1,25,000 रुपए का। 1,25,000 इसकी प्राइस है जी हाँ। और ये वाली लुक भी आपको चेक करवा देते हैं। खास बात आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप वही नंबर मेंशन करवा सकते हैं आपकी बाइक्स के डॉक्यूमेंट्स पे है। अच्छा, इसमें मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बेसिकली ये इंजन है इंपोर्टेड लीगल, इनके प्रॉपर पेपर आपको साथ दिए जाएंगे। ये वो स्क्रैप वाले इंजन नहीं है जिनका कोई अता पता नहीं होता, ये भी नहीं पता होता कि वो चोरी के। ये प्रॉपर इंपोर्ट हुए हुए इंजन है, ये इनके बॉक्सेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनके डिब्बे हैं इनके अपने, ठीक है ना, और आप इनको प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट किया होता, ठीक है ना, और इसकी आपको साथ रसीद मिलेगी और आपको इसके इसके प्रॉपर पेपर मिलेंगे, तो इसलिए आप इसको प्रॉपर लीगल तरीके से लेके चल सकते हैं। और ये जो किट आपने बताई है हमारे व्यूवर्स को, जी, इसकी कितनी प्राइस होगी? ये किट तकरीबन 11-12 हज़ार की पड़ी है, ठीक है। GS 150
CG125 और CBF125 तीन मुख्तलिफ बाइक्स को टारगेट करके किट मंगवाई है। CBF वाली किट ये है, इसके साथ रेसिंग के रेसिंग स्पेक्स के इसके वो हैं, रिंग्स हैं, ये इसका पिस्टन है जो कि काफ़ी चौड़ा है, ये CBF की किट है, ये इसकी गैस किट है, इसकी सीलें भी साथ हैं क्योंकि इसकी सीलें हाई प्रेशर सीलें होती हैं, क्योंकि जब आप बड़ी किट लगाओगे तो फिर प्रेशर इंजन में डिफरेंट किस्म का होगा और ये आपकी बाइक को 200 सीसी का कर देगा। तो सर अब इस इंजन की बात कर लेते हैं, ये इंजन कौन सी बाइक के लिए सूटेबल है और कितने सीसी है, कितनी हॉर्स पावर और इसकी प्राइस क्या है? ये वाला इंजन जो है स्पेसिफिकली दिस इज़ CBF या CGF 250, ये 223 सीसी का इंजन है, ठीक है। टॉप हॉर्स पावर इसकी भी ऑलमोस्ट 20 है, लेकिन इसका टॉर्क कम है। वो जो इंजन पहले आपको दिखाया था जो GS के लिए टारगेटेड था, उसका टॉर्क बहुत ज़्यादा, वो डीजल इंजन की तरह काम करता है। ये इंजन इज़ मोर लाइक अ क्रूजर इंजन, हाई स्पीड इंजन, टॉप स्पीड उससे बेहतर है। सही। इसकी टॉप स्पीड, इसका क्लच भी बहुत बड़ा है, अगर आप देखें उसका, ये देखें इतना सा है, इसका देखें कितना बड़ा है, ठीक है। और इसका काउंटर बैलेंसर इंटरनल है, वाइब्रेशन को जो अटेनुएट करता है, काउंटर बैलेंसर इसका ये देखें ये लगा हुआ है, ये अंदर लगा हुआ है, इसके बाहर नहीं है, दैट मीन्स कि इसका हुजम बहुत छोटा है। जिस तरह इसका देख रहे हैं कितना बड़ा लगा हुआ है, उसका देखें उसका उसके अंदर ही है, ठीक है। जैसे आपकी YBR 125 का होता है या जैसे आपकी GS 150 का होता है, उनके अंदर लगे होते हैं, तो इसका हुजम कम है, उसकी वजह से ये इंजन मार्केट के अंदर इस वक्त ज़्यादा छोटी बाइकों के लिए पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसकी पावर वही है और इसका हुजम कम है। लेकिन ये भी ज़हन में रखें, हुजम कम के साथ इसका टॉर्क भी कम है। ऑफ कोर्स CG125 वगैरह जिससे तो बहुत ज़्यादा है, स्टिल टॉर्क इसका बहुत ज़्यादा है, इसका 21 है वो तो, लेकिन ऑफ कोर्स उस इंजन के मुकाबले में थोड़ा कम है, तो छोटी बाइकों को ये सूट करता है। जी छोटी मीन के कौन कौन सी बाइक? आप YBR कह लें, CBF 150 कर लें, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली है भी CBF 250, तो ये CBF में बोल्ट टू बोल्ट आता है, ठीक है। जो ट्रेलें हैं पाकिस्तान की, यूनाइटेड की ट्रेल छोटी सी है, ठीक है ना, तो इस तरह की जो तंग चेसिस वाली बाइक्स हैं उनमें ये ऑलमोस्ट जीरो अल्टरेशन के साथ फिट हो जाता है। सही है। इसके साथ कौन कौन सा सामान मिलता है? इसके साथ भी मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग किट है, इसकी गियर शिफ्ट, किक शिफ्ट, चेन कवर, कार्बोरेटर, ये सारा सामान है और सेम वारंटी पैकेज और सेम इम्पोर्ट के पेपर्स के साथ दिया जाता है। लेकिन ये सस्ता है, ये 1,15,000 रुपये का, ठीक है, और उसकी रीज़न यही है बेसिकली, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, हुजम में ज़्यादा है, टॉर्क में ज़्यादा है, थोड़ा महंगा, ये उससे नीचे है, उससे सस्ता है। सही। अब इस इंजन के बारे में बताएं कि ये कौन सी बाइक के लिए सूटेबल है, कितने सीसी है, कितनी हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी प्राइस है, और इसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल बताएं, कौन सी बाइक में ये इजीली फिट हो जाएगा बोल्ट टू बोल्ट? अच्छा, ये इंजन जो है, मज़े की बात यह है कि ये इस इंजन के पीछे इसकी पेडिग्री मौजूद है, ठीक है। ये इंजन से पहले इसी इंजन को पुराना मंगवाया गया था, जब पहली दफ़ा तजर्बा किया गया था तो ये इंजन हमारे पास एक यूज्ड सैंपल आया था जो कि टाइगर बॉक्सर के नाम से आया था। बहुत कामयाब इंजन, बहुत पावरफुल इंजन, लेकिन इस इंजन के साथ एक चीज़ रिपोर्ट होती थी कि इसमें वाइब्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काउंटर बैलेंसर नहीं है। सही। ठीक है, लेकिन बात यह है कि सबसे ज़्यादा पावर इसके पास है, क्योंकि काउंटर बैलेंसर खुद भी 1,000 हॉर्स पावर खा जाता है। सही। क्योंकि वो खुद भी घूम रहा है ना, बिल्कुल ऐसे। तो उस लिहाज से ये इंजन सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है, क्योंकि ये काउंटर बैलेंसर में कोई हॉर्स पावर ज़ाया नहीं कर रहा। सही। और ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाला इंजन है। सही। इसका नाम है होंडा CB250, ठीक है ना, बना ये भी जोंगशन ही रहा है, टोटली जोंगशन फैक्ट्री का इंजन है ये, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि ये इंजन जो है, ये जो टाइगर बॉक्सर 200 शुरू में आए थे, ये उसका लेटेस्ट मॉडल है, टाइगर बॉक्सर 250, 223 सीसी का इंजन है ये, ठीक है। और 5 गियर ट्रांसमिशन है, सेल्फ स्टार्ट है, इसके साथ भी मुकम्मल किट होती है, कार्बोरेटर, CDI, वायरिंग और वो क्लच लिवर शिफ्टर, वो डिटेल इसकी पूरी की पूरी इसके साथ होती है, सेम वारंटी पैकेज में आता है। सही। लेकिन इसकी जो टारगेट मार्केट है वो आपकी CG125 होंडा डीलक्स है, क्योंकि वो दोनों बाइक्स ऐसी हैं जिनमें ये बोल्ट टू बोल्ट जाता है। सही। या यूनाइटेड की ट्रेल है, इस तरह के बाइक्स जिनमें ऑलरेडी वाइब्रेशन वाले इंजन लगे हुए हैं और उनको वाइब्रेशन से एतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन CG125 की अपनी वाइब्रेशन से कम ही वाइब्रेशन है इसकी। सही। उसकी रीज़न ये है कि ये CB स्टाइल का इंजन है, ये CG स्टाइल का इंजन नहीं है। सही।
तो प्राइस कितनी होगी सर? हाँ, ये 98,000 रुपए का इंजन है, सबसे सस्ता भी यही है। सही है, ठीक है, बिकॉज ये टारगेट मार्केट इसकी CG125 है, तो टारगेट मार्केट के हिसाब से इसकी प्राइस भी उतनी ही नीचे रखी गई हुई है। सही। वैसे तो सारे के सारे इंजन ही बहुत कमाल के हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये इंजन ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये 4 valves के साथ है, इसका सेल्फ भी लगा हुआ है, साथ में आपको ऑयल कूलर का ऑप्शन भी मिल जाता है, ऑयल फिल्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है, और सबसे मेन बात जो इसका क्लच बक्सा है वो मेन शाफ्ट पे लगा हुआ है, यानी गियर ट्रांसमिशन के साथ अटैच है, शाफ्ट के साथ अटैच नहीं है, जैसा कि 70cc बाइक के साथ होता है, जब आप क्लच प्रेस करते हैं तो किक लगती नहीं है। इस बाइक का अगर क्लच प्रेस भी कर लेंगे तो फिर भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ में स्लफ का ऑप्शन भी मिल जाता है। और क्या क्या खसूसियात हैं जानते हैं इस इंजन के बारे में? अच्छा, ये इंजन जो है ये सिर्फ रिक्वेस्ट पे इम्पोर्ट होता है, ये कोई पिछले 2-3 सालों में हमने 5-5 करके 2-3 दफ़ा मंगवाए हैं। इनको डेटोना कहा जाता है। डेटोना बेसिकली एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरर है जिसने ये इंजन बनाया था जोंगशन W190 की बेस चेसिस के ऊपर। जोंगशन 190 एक बेस इंजन था, उसको लेके उन लोगों ने क्या किया USA में कि उसको 4 valve में कन्वर्ट किया, तो राइट नाउ इट इज़ 4 valve सिंगल ओवरहेड केम, ठीक है, और ये अराउंड 22 हॉर्स पावर क्रिएट कर रहा है इस वक्त, जो कि GS150 पाकिस्तान की सबसे बड़ी बाइक का भी डबल है, क्योंकि वो 11-12 बनाती है, ये 22 हॉर्स पावर बनाता है। 5 gear ट्रांसमिशन है, सेल्फ स्टार्ट है, किक स्टार्ट है, ऑयल कूलर लगने की ऑप्शन है, ऑयल फिल्टर साथ अलहदा लगा हुआ है, और ये ओवरहेड केम इंजन है, ठीक है। इसकी जो बेस टारगेट बाइक्स हैं टूरिंग में, सबसे ज़्यादा जो बाइक पसंद की जाती है जिसमें ये लगता है, वो CD100 पहले आती थी, अभी प्राइडर के नाम से आ रही है, उस बाइक में ये लगता है। ख़ासतौर पे जो लोग पसंद करते हैं कि बाइक बहुत ऊंचा ना हो, या जो लोग डबलिंग पे सफ़र करना चाहते हैं हाईवे के ऊपर, तो उन लोगों को ये सूट करता है। ऑफकोर्स थोड़ा सा महंगा है, ये तकरीबन 170 आपकी आ जाती है जितने का ये इंजन है, लेकिन ये काइंड ऑफ ए लॉन्ग लाइफ पार्टनर आपका बन सकता है। अभी तक पाकिस्तान में मैंने 10 मंगवाए हैं, जिनमें से 9 इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, और एक ये मैंने अपने पास रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल इस इंजन के नए वर्जन भी आ रहे हैं, जो कि 212 cc, 220 cc, और उससे भी बड़े बोर के साथ आ रहे हैं। ये इंजन रेसिंग कार्बोरेटर के साथ आता है, और रेसिंग CDI, इसकी आप किक देखेंगे, इसका गियर शिफ्टर देखेंगे, उनकी बिल्ड क्वालिटी से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ वाकई ही USA में अपग्रेड हुई है। तो और ये इसी तरह बॉक्स पैक इंपोर्ट होता है। ये अराउंड इस वक्त 1.25 लाख रुपए का ये इंजन है, यानी कि वही बात जितने की 70 है। बट ऑफ कोर्स अगर आप टूरिंग के लिए छोटी बाइक रखना चाह रहे हैं, मगर हाईवे के ऊपर आप शर्मिंदा नहीं होना चाह रहे, तो इससे बेहतर बाइक इंजन कोई नहीं है। और साथ में जो सामान आता है ये किक का इसके साथ। हाँ जी, इसके साथ इसका चेन कवर है, वायरिंग मुकम्मल इसके साथ है, CDI, कार्बोरेटर, और वो सारी की सारी इसकी किट इसके साथ आती है। कॉइल कितना बड़ा है ये देखें, कितनी बड़ी है, स्टार्टिंग रील है, चौड़ी रील है, ये रेक्टिफायर है, ये इसका चार्जिंग सिस्टम है जी, जो बैटरी को चार्ज का इग्निशन कॉइल है, इग्निशन और साथ में अडॉप्टर। हाँ जी, इसकी भी प्राइस हो गई है। हाँ जी, ये तकरीबन 125 का ये इंजन है। सही। ये स्पेशली क्योंकि खुद टूर का शौक़ है, तो उस नज़रिए से मंगवाए थे। ये आपका क्रैश गार्ड है, ठीक है, ये पाकिस्तानी सारी बाइक्स पे जो कि लोकली टूरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उन पे थोड़ी बहुत नोक पलक दुरुस्त करके बग़ैर किसी कटिंग या वेल्डिंग के फिट हो जाता है। और ये मेड इन जापान है, इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मेड इन जापान है। इसकी वायरिंग इंटरनल है, इसके ऊपर हॉर्न लगाने की जगह, और ये देखें ये लगा हुआ है इसके ऊपर, लाइट्स लगाने की जगह, एक्स्ट्रा यूनिट्स लगाने की जगह, वो सारी पहले से बनी हुई है। और अगर इसका मैं आपको डिब्बा दिखाऊं, डिब्बे के ऊपर ऑलरेडी मेड इन जापान लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मंगवाने का मकसद ही ये था कि ये सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी टूरिस्ट नज़र आते हैं उनको ये शिकवा होता है, एक टूर करके आते हैं तो क्रैश गार्ड जो है वो लाल रंग का हो जाता है, जंग से भर जाता है। ये स्टील का बना हुआ है, आप देखें कि जहाँ पे वेल्डिंग है वहाँ पे पेंट है, देख रहे हैं, क्योंकि पाइप को क्रोम नहीं ना है, स्टील है। ये चीज़ आपको मिलती कहाँ पे है, जो ओरिजिनल CG125 आती है फैक्ट्री से, उसके सलेंसर पे आपको ऐसा पेंट नज़र आएगा वेल्डिंग वाले पॉइंट्स पे, क्योंकि आप तो खुद होंडा को जानते हैं। तो ये ओरिजिनल होंडा OEM है, तो ये ज़्यादातर टूरिंग के लिए इस्तेमाल होती है चीज़। इसकी प्राइस कितनी है? ये बहुत सस्ता है, ये 4,500 रुपये का सिर्फ। हाँ जी,
नॉर्मल मार्केट से अगर नॉर्मल मार्केट में इतने का नहीं है आप फिट करवाने जाएं जो गार्ड होता है ना वो इतने का मिलता है मार्केट हाँ 12 वाला गार्ड लेने जाएं वो आपको फिट करके 5,500-6,000 रुपया मांग लेंगे बिल्कुल ऐसे जी ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है इंपोर्टेड है इंपोर्टेड है और ये डिब्बा आप खुद खोलेंगे इसका सही अभी खुद ही खोला है हाँ मोस्टली जो लोग यहाँ लाहौर में आके इंजन स्वैप करते हैं तो उन लोगों को हम खुद रेकमेंड कर देते हैं कि आप 428 या इस तरह बारीक चेन के ऊपर ना रहें बल्कि आप 520 पे या 530 पे शिफ्ट हो जाएं क्योंकि टॉर्क और हॉर्स पावर दोनों आपकी बाइक के बढ़ जाने हैं दूसरा फ़ायदा आपको बड़ी मोटी चेन पे और गरारी पे शिफ्ट होने का ये हो जाता है कि आपका इंजन आपकी बाइक जो है वो कोई 30-40,000 किलोमीटर के ऊपर मांगती ही नहीं चेन गरारी सेट को तब्दील करना तो इसलिए फिर ये मंगवा के ही रख लिए थे क्योंकि मार्केट में अच्छी गरारी मिलती नहीं है ज़्यादातर वो चांद गाड़ी और वो रिक्शे की गरारी मिलती है और वो बहुत जल्दी काम निकाल देती है तो इसलिए फिर ये इंपोर्ट कर ली थी ताकि ये चलती रहे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़